पिछली बार विकास कार्य किए हैं वार्ड नंबर 11 में सब जनता के सामने, और जनता ने आके मुझे दोबारा आशीर्वाद देने के लिए कहा है और दोबारा चुनाव लड़ने को कहा है। इस बारे में चुनाव लड़ रहा हूँ और भाई विकास कार्य की हम जैसे पिछले बार भी 2-3 गांवों में स्टेडियम बनवाए हैं, ऐसे ही खेल स्टेडियम बनवाए, क्योंकि विकास का क्षेत्र खेल के क्षेत्र से होता है, विकास और शिक्षा के क्षेत्र। तीसरा रोजगार की बात है, जो 75% कोटा कंपनियों में हरियाणा सरकार ने दिया है, तो हमारे जिले की भूमि अधिग्रहण लिया तो उसमें 25% कोटा हमारे को मिलना चाहिए। इस आवाज़ के साथ वो जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है, बुजुर्गों का आशीरवाद है, मेरे नेता का आशीर्वाद है, मैं नाते रहा हूँ। मुकाबला किसके साथ रहेगा आपका? मुकाबला तो जनता जाने किसके साथ है, मैं सिर्फ जीत के लिए खड़ा हूँ और कैसे खड़े मुझे। वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे? वोटरों से अपील करता हूँ, बाद में जलपान पहले मतदान, और जितना मतदान, क्योंकि सही हक का मतदान है, सारे कैंडिडेट अच्छे हैं, जो अच्छा लगे उसको मतदान। किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं आप? मैं मुद्दा यही है भाई, विकास का कार्य पूरा करूँगा, जो भी अधूरे रह गए, 100 के 100 तो भगवान से राजी नहीं होते, फिर भी जो भी कुछ रहे हैं, और बेरोजगारी की जो समस्या हमारी, जो पिछली बार मैंने 75% कोटा की बात करी थी, वो सरकार ने भी उसको क्लियर कर दिया, 75% कोटा कंपनियों में दिया, लेकिन उसमें एक कमियाँ रहेगी, उसमें भी 100 किलोमीटर दूर के लग रहे हैं। हम उसमें यही मुद्दा उठेगा, जो हमारी ज़मीन यहाँ की गई है तो हमारे ज़िले की 25% कोटा अलग से होना। दूसरे उम्मीदवार हैं वो भी कहते हैं मेरा साहब का आशीर्वाद, पूरी जनता पे सारी जनता राव साहब की, या दक्षिण हरियाणा राव साहब का है, राव साहब से उनको आज का जो दिन एक त्यौहार की तरह है, जैसे एक बार यूँ समझो कि स्वतंत्रता की तरह एक ये भी एक त्यौहार है, जिसकी आम जनता अपना जन समर्थन देने के लिए समूह का समूह इकट्ठा हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये इस त्यौहार को हम ऐसे ही मनाएंगे। कुछ दिन पहले हमारा एक त्यौहार था जो हमारा देश में पूरे देश में हिंदुत्व का एक त्यौहार था, दिवाली, और दिवाली की तरह ही एक 5 साल का ये भी एक लोकतंत्र का बड़ा पर्व मनाया जाने वाला है। आज इसके बारे में हमने आप अपना नॉमिनेशन फॉर्म सभी के सहयोग से, अपने वार्ड के सभी लोगों के वोटरों से सबसे समय निश्चित करके उनसे आज फॉर्म फिलअप कराए, और हम कहेंगे आज के दिन के बाद, जैसे ही सिंबल दो दिन बाद सिंबल अलॉट हो जाएगा, उसके बाद जो हमारे वोटर हैं वो उत्सुक हैं कि जल्दी सिंबल होए, जल्दी जल्दी इलेक्शन होता है, तो हमारी भारी बहुमत से आपको विजय दिलाएंगे। लगातार आप गांव में जा रहे हैं, किस तरीके की समस्याएं गांव में देखने को मिलती हैं? देखिए, जब गांव वालों से पता कर रहे हैं कि गांव में मेनली समस्याएं पानी के निकासी की है, और रोड के लिंक रोडों की है, जो गांव से गांव लिंक रोड है, लगभग मेरे वार्ड में ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें गांव से गांव लिंक रोड बने हुए हो या पानी की निकासी प्रॉपर हो। मेरे लिए सबसे पहले फर्स्टली थी ये दोनों समस्याएं, मैं प्राइम इसको चीज़ को प्रायोरिटी पे रखूंगा कि सबसे पहले ये समस्याएं दोनों को सोल्व कराई जाए, क्योंकि आजकल सरकार का बड़ा अच्छा ही एक आया है एक स्कीम जिसमें कि गांव से गांव लिंक रोड नरेगा के थ्रू कराने लग रहे हैं, जिसमें नरेगा में अपार इस चीज़ का पैसा है, और नरेगा के थ्रू गांव से गांव लिंक रोड बनाए जा सकते हैं, जो मेरा जिला पार्षद बनने के बाद सबसे पहले प्रायोरिटी के साथ यही काम होगा।